दोस्तों, DSSSB की तरफ से 8 नए नोटिस जारी किए गए हैं। ये सभी नोटिस बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और DSSSB के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, एक एक करके ये नोटिस देखें, उससे पहले एक जरूरी अपडेट वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। दोस्तों, एक तो 7 जुलाई 2024 से और 27 जुलाई 2024 तक जिनके भी एग्जाम होने हैं और उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। DSSSB के ऑफिशियल वेबसाइट DSSSB.delhi.gov.in, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज के सेक्शन पे लिंक दिया गया है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं और उसी के साथ साथ 10 जून से और 30 जून 2024 तक जिन्होंने एग्जाम दिए थे DSSSB की, उनकी आंसर की जारी कर दी गई है। उनका लिंक भी लेटेस्ट न्यूज के सेक्शन पे यहां दे दिया गया है। ये देखिए, डिस्प्ले ऑफ ड्राफ्ट आंसर की फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन हेल्ड फ्रॉम 10th जून टू 30 जून 2024। आप यहां इस लिंक पे क्लिक करके आंसर की चेक कर सकते हैं। तो दो अपडेट ये हो गई हैं। अब एक एक करके सभी नोटिस देख लेते हैं। ये है नोटिस नंबर 1496। दोस्तों, मार्क्स जारी कर दिए गए हैं और कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल दिया गया है। पद का नाम है मेंटेनेंस मैकेनिक और पोस्ट कोड है 3/23। ये रही है कट ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। अनरिजर्व्ड की एक वैकेंसी, 5 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। कट ऑफ रही है 143 और कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट अपलोड करने का समय दिया जा रहा है 8/7/2024 से 22/7/2024 तक। इसके बाद अगला नोटिस, इस नोटिस के माध्यम से भी मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। यहाँ बात हो रही है इंस्ट्रक्टर मिललाइट की, पोस्ट कोड है 1/23, तो इनके मार्क्स भी आज जारी कर दिए गए हैं और कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल दिया गया है। अनरिजर्व्ड की 2 वैकेंसियों के लिए 8 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कट ऑफ रही है 131.4। EWS की एक वैकेंसी, 5 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड है, कट ऑफ है 107.51। OBC की 2 वैकेंसियां, 8 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, कट ऑफ है 112.62। SC की एक वैकेंसी, 5 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड है, कट ऑफ है 100.88। ST की एक वैकेंसी, 5 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, कट ऑफ है 88.75। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को समय दिया जा रहा है 8/7/2024 से 22/7/2024 तक। इसके बाद अगला नोटिस, ये एक रिजल्ट नोटिस है, नंबर है 29। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी फीमेल फॉर NTC/STC/NAC होल्डर, पोस्ट कोड है 4/23। तो इनका रिजल्ट आज अनाउंस कर दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी से इन 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है और जो इनकी कट ऑफ रही है वो है 88 और वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है। एक कैंडिडेट वेटिंग पैनल लिस्ट में है, वेटिंग पैनल लिस्ट की कट ऑफ है 83.75। इसके बाद चलते हैं अगले नोटिस की तरफ। नोटिस नंबर 227 है दोस्तों, पोस्ट कोड 21/23। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर वेल्डर फॉर NTC/STC/NAC होल्डर, इनके मार्क्स भी आज जारी कर दिए गए हैं और कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल दिया गया है। अनरिजर्व्ड की 4 वैकेंसियों के लिए 12 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, कट ऑफ रही है 109.74। EWS की एक वैकेंसी, 6 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, कट ऑफ 82.18। OBC की कट ऑफ 89.91। SC की कट ऑफ 98.72 और PWD MD की कट ऑफ 101.93 और कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 15 दिन का समय दिया जा रहा है 10/7/2024 से 24/7/2024 तक। इसके बाद अगला नोटिस, ये एक रिजल्ट नोटिस है, जुड़ा हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर, पोस्ट कोड है 29/23। तो इनका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी से इन 7 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। EWS कैटेगरी से 2, OBC कैटेगरी से 5 और SC कैटेगरी से इन 2 कैंडिडेट का, ST से 1 और PWD VH कैटेगरी से 1 कैंडिडेट का यहाँ सिलेक्शन किया गया है। और जो इनकी कट ऑफ रही है अनरिजर्व की 135.61, EWS की 126.51, OBC की 127.02, SC की 120.71, ST की 109.85 और PWD VH की 97.98। वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अनरिजर्व्ड से 2, EWS से 1, OBC से 1, SC से 1 और ST से 1 कैंडिडेट वेटिंग पैनल लिस्ट में है। वेटिंग पैनल लिस्ट की कट ऑफ अनरिजर्व्ड की 132.58, EWS की 120.96, OBC की 125, SC की 119.70, ST की 100.00 और PWD में VHWL की nil। इसके बाद अगला नोटिस, एक ये रिजेक्शन नोटिस है, पोस्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्ड इंस्ट्रक्टर, पोस्ट कोड है 29/23। ये 4 कैंडिडेट हैं, इनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि दी गई समय सीमा में इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे। दोस्तों, इसके बाद चलते हैं आज के अंतिम नोटिस की तरफ।
ये नोटिस जुड़ा हुआ है, पोस्ट कोड 13/22 और पद का नाम है मैनेजर अकाउंट्स। तो दोस्तों इनके मार्क्स भी आज जारी कर दिए गए हैं और कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल दिया गया है। 2 वैकेंसियों के लिए 8 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कट ऑफ रही है 179.04 और कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए समय दिया जा रहा है 9/7/2024 से 23/7/2024 तक। तो ठीक है दोस्तों, DSSSB की लगभग सभी अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।